सतनाम वाहिगुरु जी। किसी ने सच्ची कहा है, स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर या भविष्य में नहीं। मन का गंदा होना ही नर्क है और मन का निर्मल रहना ही स्वर्ग है। आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नर्क दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, वहीं नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाएगा। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नर्क नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम इस ईश्वर के महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म के पीछे की भावनाएं मायने रखती है, इसलिए तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जा रहा है। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नर्क में बिठा देता है। स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में दे रखी है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप भी समझ गए होंगे कि हमें हमेशा हमारे मन का भाव निर्मल स्वच्छ रखना है, न कि मन में क्लेश कपट रखना है। हमारे मन का भाव ही हमें स्वर्ग या नर्क का रास्ता दिखा सकता है। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सतनाम वाहेगुरु जी।